शास्त्रों का निर्देश और गुरुजनों का निर्देश जीव के कल्याण हेतु ही होता है। हम लोग आर्ष परंपरा के उपासक हैं, इसलिए वेद हमारे यहाँ प्रत्येक कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए प्रमाण है। वेद की आज्ञा के स्पष्टीकरण के लिए इतिहास पुराण स्मृतियों का आश्रय लिया जाता है। यक्ष के प्रश्न करने पर युधिष्ठिर जी ने कहा था, सुमृतयो विभिन्ना, स्मृतियां भी भिन्न भिन्न है। ऊपर तो सबके सबके अगर संप्रदाय से नहीं पढ़ा है तो भेद दिखाई पड़ता है, लेकिन स्मृतियों को भी देखा जाता है कि किसी विषय के ऊपर उनकी व्याख्या इतर स्मृतियों से भिन्न है। उसका कारण क्या है? देश काल और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्तव्य की व्याख्याएं बदलती रहती। मूल लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है, वो तो तत्व ही है, लेकिन उसकी उपलब्धि, उस आज्ञा का पालन, उस विधि का अनुसरण किस तरह से किया जाए, वो ऋषि मुनि देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग बनाते। चर्चा इसलिए चलाई गई है कि वर्तमान काल में परिस्थितियां बहुत भिन्न है। जो परिवर्तन 100-200 साल में हुआ करते थे, अब वो 10-5 साल में ही परिवर्तन दृष्ट होते हैं, क्योंकि ये सर्वानुभूति का विषय, इसलिए की कोई व्याख्या अपेक्षित नहीं है। तो अब वृद्धों का, बड़ों का भी कर्तव्य हो जाता है कि देश काल और परिस्थिति के अनुरूप ही अपने अनुगतों का नियंत्रण कर, संरक्षण प्रदान कर। अब से 50 साल पहले, 60 साल पहले जिन परिस्थितियों में हम लोग पले और बढ़े हैं, 70-80 साल पहले जिन परिस्थितियों में हम पले बढ़े हैं,
उन परिस्थितियों में अब से 30-35-25 साल पहले वाले नहीं बने पाए। वर्तमान समय में भी इसी प्रकार परिस्थितियों में देश काल में बहुत भेद आ गया है। रहनी बहनी में भी परिस्थिति जन्य वातावरण जन्य सामाजिक वातावरण जन्य राजनीतिक वातावरण जन्य परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। अतएव गुरुजनों को भी उन वातावरण के अनुरूप ही अपने अनुगतों का नियंत्रण करना चाहिए। हम अपने आचरणों से जितना अपने अनुगतों का शिक्षण कर पाएंगे उतना वचनों से नहीं कर पाएंगे। वचनों का प्रयोग तो अपने आचरणों के स्पष्टीकरण के लिए करें, कुछ विशेष निर्देशों को वचनों का प्रयोग करें। हर कदम पर बालकों को बालिकाओं को टोके नहीं, उन्हें भी जैसे कहते हैं लेट देम लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, अपनी खरते उसकी, लेकिन तो भी उनके चरित्र के विषय में जागरूकता आवश्यक है और वो जागरूकता हमारी अपनी जागरूकता अपने व्यवहार की पवित्रता से ही आएगी। हम यदि असत्य भाषण करेंगे तो फिर हम कितना भी उपदेश दें प्रभावशाली नहीं। हम आहार विहार किस प्रकार से ले रहे हैं, हमारे अनुगत वही आहार व्यवहार स्वीकार है। अभी हम काशी में थे तो हमसे एक बड़े अच्छे विद्वान है हमारे आश्रम के, वो हम लोगों में सौभाग्य है जो इस तरह के सुपठित और अत्यंत समर्पित शिव उपासक महान पुजारी मिले। उन्होंने हमसे पूछा महाराज सन्यासी के पास न तो चोटी है न जनेऊ है, वो काहे के लिए कर्म करता है, ये संकल्प उकल्प का भी नाटक करे सन्यासी क्यों करता है, बड़ा अच्छा प्रश्न। तो फिर हम उनकी सेवा में निवेदन किए कि माई डियर भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे प्रिय अर्जुन, मेरे लिए संसार में कुछ भी करणीय नहीं है। करनी क्यों नहीं है कि कर्म से या तो जो वस्तु नहीं है उसको प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है, अथवा जिसको हमको अपने पास से हटाना है उसकी चेष्टा की जाती है। हमारे लिए न कोई ऐसी वस्तु है जिसको मैं प्राप्त करना चाहूँ, न ऐसी कोई वस्तु है जिसको मैं अपने से हटाना चाहूं, लेकिन तो भी मैं कर्म करता हूं। अगर मैं कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि हमको आवश्यकता नहीं है, तो
तो फिर जो हमारे अनुवर्ती लोग हैं वो लोग भी निकम्मे हो जाएंगे। वो ये नहीं समझेंगे कि हम किस अवस्था में हैं इसलिए नहीं कर रहे, वो इसका मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं इसका अवलोकन कर और वो निष्कर्म करने निकम्मे हो गए। तो इसलिए मेरे अनुगत ये कर्म करें इसके लिए मुझे कर्म में लगना पड़ता है, और उसी तरह सावधानतया करना पड़ता है जिस तरह सावधानतया करना मैं अपने अनुगतों के लिए वांछित समझता हूं। इसलिए हमको कर्म करना है। अच्छा, हमको मालूम हो गया, हमको जो प्राप्त प्राप्त हो गया है, अब अपनी जिंदगी तो काटोगे, अपना समय तो काटोगे, जब तक ये शरीर पात नहीं हो तो क्या करोगे, निकम्मे तो बैठोगे नहीं। तो इसलिए सत्कर्म ही करो, भजन ही करो, ध्यान ही करो, सत्संग इत्यादि के द्वारा भी स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रवर्तन इस वेद के आदेश का पालन। हमारे यहां गुरुजन, घर के बड़े बुजुर्ग, राजा, इन सबके जीवन को यदि हम लोग देखें तो कितने अनुकरणीय है। हमारे राष्ट्र का राजा कहता है, संतरे मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कायर नहीं है, कोई अपने कर्मों से च्युत नहीं है, हमारे यहाँ न तो चरित्रहीन पुरुष है न चरित्रहीन नारी है। इतने दावे से राजा कहता है, यह संसार के लिए एक उदाहरण है। उपजा हम निवेदन कर रहे थे, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही अपने अनुगतों का अनुरक्षण और शिक्षण करें और अपने व्यवहार को भी इस तरह बनाएं कि हमारे व्यवहार को देख करके हमारे अनुगत उस प्रकार की चेष्टा करने में प्रयासरत हो। भगवान की प्राप्ति होने के अनंतर, ब्रह्म ज्ञान होने के अनंतर भी अपने कर्तव्य से चवित नहीं होना है, ये तो ठीक है, लेकिन शिक्षण के लिए भी हम सावधान रहें क्योंकि वो भी हमारा कर्तव्य है। माता पिता बहनी भाई जिन्होंने पढ़ाए, पढ़ाए मैंने केवल काका गाना नहीं, चरित्र का संतुलन और मर्यादा पूर्वक प्रवण पालन ये भी पढ़ाई के अंदर शिक्षण के अंदर आता है। तो यदि ये शिक्षा नहीं देते हैं तो माता पिता या गुरुजन शत्रु माने जाते हैं। तो हम लोग जो सत्संगी हैं वो इस विषय में बड़े सावधान रहें, इस आधार पूर्वक महापुरुषों के चरण प्रणाम करते हैं, आचार्य जी से सरस्वती कुमारों का वंदन अभिनंदन करते हैं, तथा यहाँ जो विद्यमान है तथा विज्ञान के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं सबकी मंगल कामना कर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।